बहुत दिन से बेसबॉल बेसबॉल सुन के यार कान थक गया था, और असली बेसबॉल खेल कर दिखाया है इंडियन क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने, खासकर यशस्वी जायसवाल ने, ध्रुव जुरेल ने, रोहित शर्मा ने, और इसके साथ ही शुभमन गिल ने भी लगातार अच्छी बैटिंग हम टीम इंडिया से सीरीज में देखते आए हैं। लेकिन रांची में जो बैटिंग हुई है, रांची में जो कमबैक हुआ है, वो इस सीरीज में देखने को नहीं मिला था। रांची में टीम इंडिया ने हासिल करी है एक ऐतिहासिक जीत, और इस जीत के मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि WTC में भी टीम इंडिया ने कर दिया है एडवांस। 5 मैच की सीरीज, 4th मुकाबला रांची करण जीत लिया है, और 4 टेस्ट में 3 जीत हासिल कर ली है टीम इंडिया ने। मैच में बहुत जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है 4 दिन में। क्या तगड़ा मुकाबला था। सबसे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता, जो कि उनके लिए एक अपर एज जरूर थी, क्योंकि लास्ट दोनों जो मुकाबले मैच इंडिया ने जीते उसमें इंडिया ने टॉस जीता था। रीजन सिंपल सा होता है जब आप इंडिया में खेलते हो कि 4th इनिंग में किसी भी टीम को बल्लेबाजी नहीं करनी है, ये सोचकर इंग्लैंड ने चूज करी पहले बैटिंग। अब बैटिंग करी और अच्छी बैटिंग करी। जो रूट ने 122 रन बनाए, साथ में ऑली रॉबिन्सन ने 50 रन प्लस की बढ़िया नॉक खेली, और पार्टनरशिप भी अच्छी की टीम इंग्लैंड ने। 350 रन से ज्यादा का स्कोर बनाया, जो कि इस टर्निंग ट्रैक पर काफी अच्छा स्कोर नजर आ रहा था। टीम इंडिया बात करें अगर तो जबरदस्त बैटिंग करी, 90 रन की नॉक खेलकर ध्रुव जुरेल ने, और ये 90 रन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं टीम इंडिया के लिए, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 177 पे 7 हो गए थे स्कोर, और टीम इंडिया कर रहा था स्ट्रगल। यहां से आके कुलदीप यादव, भाई कुलदीप यादव जैसा खिलाड़ी जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत ज्यादा इंप्रूव करी है, उन्होंने ध्रुव जुरेल के साथ 50 प्लस रन की पार्टनरशिप की, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया को बिल्डअप मिल गया था। यहां से आकाशदीप सिंह का साथ मिला, 90 रन बनाए ध्रुव जुरेल ने। अनलकी रहे कि 100 नहीं कंप्लीट कर सके, अपना इंटरनेशनल करियर का फर्स्ट 100 लगा सकते थे, नहीं हुआ, लेकिन ये 90 रन के मायने बहुत ज्यादा हैं। ये 90 रन ये 100 की पारी से भी ज्यादा इस वक्त पर जब टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही थी। 46 रन की लीड इंग्लैंड ने ले ली, खुश था इंग्लैंड जब तक टीम इंडिया ने बॉलिंग की शुरुआत नहीं करी थी, लेकिन टीम इंडिया की बॉलिंग की शुरुआत हो गई थी इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग से, जहां पर डेब्यूटेंट आकाशदीप सिंह ने अपने मोटिवेशन को बॉलिंग के थ्रू दर्शाया, और अपने पहले ही डेब्यू मैच में 3 विकेटें चटका दी। 4 विकेटें ली रविंद्र जडेजा ने, बाकी के बॉलर्स ने अच्छा प्रयोग किया और अच्छा बैक किया विकेट टेकर गेंदबाजों को। इंडिया की बैटिंग स्ट्रगल रही, लेकिन इंडिया ने बॉलिंग 3rd इनिंग की जब शुरुआत हुई, इंग्लैंड के पास एक अपर एज थी कि उनके पास थी 46 रन की लीड। अब यहां से सारा दानोमदार था इंडिया के बॉलर्स पर, और बढ़िया कमबैक किया टीम इंडिया ने लीड देने के बाद। जैसा आपने पहला टेस्ट मैच देखा था, टीम इंडिया ने लीड लेने के बाद मैच गंवाया था, वैसे ही टेस्ट मैच ये देखने को मिला। टीम इंडिया के पास 46 रन का डेफिसिट था, और टीम इंडिया के बॉलर्स ने कमबैक कराया। वहां पे सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन 5 विकेट हॉल, और टेस्ट करियर में एक और 5 इन्होंने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही कुलदीप यादव, जिनकी आपने बैटिंग देखी थी एक इनिंग पहले, उन्होंने बॉलिंग से भी करिश्मा दिखाते हुए 4 विकेटें अपने नाम करी। जो आखिरी विकेट था इंग्लैंड का, वो रविंद्र जडेजा ने झटक के दिखा दिया कि भाई क्यों इंडियन विकेट्स को स्पिन ट्रैक कहते हैं, क्योंकि सारे के सारे विकेट 3rd इनिंग में इंग्लैंड की इनिंग में इंडियन बॉलर्स ने लिए, इंडियन स्पिनर्स ने लिए। अब बाकी की जिम्मेदारी निभानी थी इंडियन बैटर्स को। पहले तो सबसे पहले रोहित शर्मा 55 रन की नॉक, तगड़ी बैटिंग, और एक बार फिर से दिखा दिया कि भाई रोहित शर्मा क्यों डिपेंडेबल बैटर हैं जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है। बाकी का काम कर दिया शुभमन गिल ने, 50 रन की पार्टनरशिप इन्होंने भी करी रोहित शर्मा के साथ भी, और 50 प्लस रन बनाए भी इन्होंने, और विनिंग नॉक बढ़िया रही। लेकिन 39 रन की जो नॉक थी ध्रुव जुरेल की, एक और बार अट्रैक्टिवनेस दिखाई उन्होंने अपनी बैटिंग से, साथ में यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छी नॉक खेली। टीम इंडिया सीरीज 3-1 से जीत चुका है, लेकिन एक मैच बचा हुआ है, धर्मशाला का वेन्यू होगा, आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा, और टीम इंडिया इस सीरीज को 4-1 करना चाहेगा, क्योंकि WTC रैंकिंग्स मायने रखती हैं बहुत ज्यादा, और उसके लिए सारे के सारे टेस्ट मैच जीतना टीम इंडिया चाहेगा। खेल क्रिकेट को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करते रहिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करते रहिएगा।